हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक चैनल। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स तो आइए सीखते हैं कि ये फानुक के OITF मॉडल को हम स्वैन सॉल्वेंसी सिमुलेटर में कैसे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें CNC सिस्टम में जाकर हमें सबसे पहले फानुक के OITF मॉडल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगले स्टेप में हमें सॉफ्टवेयर इंस्क्रिप्शन पे हमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें रन पे क्लिक करना है। तो हमारा फानुक का OITF मॉडल का जो CNC सिस्टम होता है वो हमारा ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फानुक सीरीज का OITF मॉडल नंबर हमारा ओपन हो गया है और कुछ इस तरह के इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स हमें सबसे पहले इमरजेंसी रिलीज करना रहता है। ये हमारा इमरजेंसी का बटन है, इससे आप क्लिक करिएगा तो हमारा इमरजेंसी रिलीज हो जाएगा। फिर हमें अलार्म रिलीज करना रहता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे मशीन डोर क्लोज कर दीजिएगा तो हमारा अलार्म बंद हो जाएगा, और यदि आप डोर ओपन रखिएगा तो हमारा अलार्म शो करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स फिर ये जो की है ये सब हमारा सॉफ्ट की है, आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट करके आप इसे रख सकते हैं। और फिर ये है हमारा मशीन को भी आप जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं या रोटेट भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करिएगा तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जूम इन का, जूम आउट का, जूम का, पैन व्यू का, रोटेट का, फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे स्पिंडल का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप नॉर्मल पे रखना चाहते हैं तो नॉर्मल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स मैं वन बाई वन करके मैं आपको सारे के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे व्यूज में आपको मिल जाएंगे जूम इन जूम आउट के ऑप्शन, फिर यहाँ पे पैन व्यू के ऑप्शन मिल जाएंगे, रोटेट के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे 2D व्यू भी आप देख सकते हैं मशीन में, 2D पे आप क्लिक करिएगा तो हमारा 2D व्यू आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे 2D हटा दीजिएगा तो आपका 3D व्यू आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू आप भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टूल बार भी आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, सो टूल बार टेक्स्ट देखिए आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको सारा टूल बार आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जब डिस सेलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका सारा टूल बार यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको यहाँ मशीन आप देखना चाहते हैं या नहीं उसके लिए ऑप्शन है शो मशीन। फिर यहाँ पे अगला आता है मशीन साउंड, यदि आप मशीन का अपना जो साउंड होता है जो ऑपरेट करते हैं मशीन उन्हें मशीन साउंड सुनाई देते हैं तो वही साउंड आप सुनना चाहते हैं यानी उसके लिए ऑप्शन है शो कोऑर्डिनेट्स के लिए, शो स्क्रैप के लिए, मशीन का जो स्क्रैप होता है मतलब कि अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो आप देखना चाहते हैं यानी शो स्क्रैप है, शो कूलेंट है, कूलेंट आप देखना चाहते हैं यानी उसके लिए ये एक ऑप्शन दिया हुआ है शो कूलेंट। फिर ये अगला है हमारा शो स्टॉक, आप स्टॉक देखना चाहते हैं यानी वर्क पीस देखना चाहते हैं यानी उसके लिए ये हमारा एक ऑप्शन है। फिर हमारा सेक्शन व्यूज में आप देखते हैं व्यूज में क्या क्या है, आप ट्रांसपेरेंट व्यू देखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर यदि आप शो टूल टरेट आप देखना चाहते हैं यानी उसके लिए ऑप्शन है, देखिए मैंने डिसलेक्ट कर दिया तो आपका टूल टरेट नहीं दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया तो आपका टूल टरेट आपको दिख रहा है। टू शो स्टेशन नंबर, देखिए यहाँ पे स्टेशन नंबर आपको दिखने लगेगा, कितना स्टेशन नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अलग अलग स्टेशन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 से लेकर 12 तक, वो आप देखना चाहते हैं यानी उसके लिए ऑप्शन है शो टूल स्टेशन नंबर। फिर यहाँ पे शो टूल आप टूल देखना चाहते हैं यानी ट्रांसपेरेंट टूल, आपको जो टूल है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। शो ट्रेसेस मतलब कि कैसा पाथ आपको टरेट फॉलो करेगा, यानी कि टरेट में जो कटर लगा हुआ है, टूल जो लगा हुआ है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा वो आप देखना चाहते हैं यानी ये देखिए यहाँ पे ट्रेसेस ही हट गया, उसके लिए ऑप्शन है शॉर्ट ट्रेसेस। फिर उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है मशीन ऑपरेशन, यहाँ पे CNC पैरामीटर्स आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कूलेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं, कूलेंट आप कहाँ पे आप रखना चाहते हैं उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर टूल मैनेजमेंट में आप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रैपिड पोजिशन मैं आपको बाद में बताऊँगा, अगले वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊँगा, इस वीडियो में बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये जो टॉपिक अलग है कुछ इसे हट कर है, इसीलिए मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा अपने आने वाले अगले वीडियो में। फिर इसके बाद मशीन डोर, आप मशीन डोर ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसका वर्क पीस है,
वर्कपीस में आइएगा तो यहाँ पे स्टॉक साइज आपको दिखेगा सबसे पहला। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वर्कपीस का आप स्टॉक चेंज कर साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे को डायमीटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे को लेंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इनर डायमीटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे रिप्लेस वर्कपीस में करिएगा तो आपका वर्कपीस रिप्लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेडी रेस्ट आप चाहते हैं या टेल स्ट्रोक आप चाहते हैं यानी उसके लिए ऑप्शन है। फिर यहाँ ओके प्रेस कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। फिर आपका वर्कपीस में अगला ऑप्शन आता है टर्न वर्कपीस अराउंड, तो आपका वर्कपीस क्या होगा उल्टे तरफ से आपका चेक में आपका जाके लग जाएगा। जैसे कि होता है क्या कि आपने वर्कपीस के आगे तरफ से काम कर लिया होगा, उसके पीछे तरफ से आपको उसमें ऑपरेशन करना है तो आपको टर्न वर्कपीस अराउंड करना होगा। क्लैंप पोजीशन इन मतलब कि आपका जो चक है उससे आप बाहर निकालना चाहते हैं अपने वर्कपीस को और अंदर रखना डालना चाहते हैं वर्कपीस को, तो उसके लिए क्लैंप पोजीशन इन क्योंकि यहाँ पे मेजर का ऑप्शन आ जाएगा, आप वर्कपीस को मेजर कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज टेस्ट विंडोज और हेल्प इसका कुछ काम नहीं है। फिर ये देखिए ये वाला जो बटन है इससे मेरा ये मैंने फुल स्क्रीन का शॉर्टकट किया है। फिर ये मेरा जूम आउट का है, यहाँ पे मेरा जूम इन का ये मेरा शॉर्टकट किया है। देखिए ये मेरा जूम आउट का है और ये वाला मेरा जूम इन का मेरा ये शॉर्टकट किया है। देखिए कैसा क्या हुआ था, ये मेरा जूम इन का मेरा शॉर्टकट किया है। फिर ये मेरा पैरेलल व्यू का मेरा ये शॉर्टकट किया है। फिर ये वाला मेरा जूम इन जूम आउट प्लस माइनस एक है, इसी में मेरा जूम इन भी और जूम आउट का ऑप्शन है। ये मेरा पैन व्यू का मेरा ये शॉर्टकट है। फिर यहाँ पे डायनामिक जूम का ये मेरा शॉर्टकट है। फिर यहाँ पे 2D व्यू के लिए ये मेरा शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं तो आप चाहे तो व्यूज में से भी जाकर ये सारा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ZX प्लेन सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा शो मशीन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप मेजर करने के लिए शॉर्टकट की दिया हुआ है मेरा यहाँ पर। फिर उसका शो कोऑर्डिनेट के लिए आपका शॉर्टकट की दिया हुआ है। मशीन साउंड के लिए ये मैं शॉर्टकट की दिया हुआ है। शो स्क्रैप के लिए शॉर्टकट की है, यहाँ कूलेंट के लिए ये मेरा शॉर्टकट दिया हुआ है। फिर ये वाला मेरा कैसा जो वर्कपीस के लिए मैं शॉर्टकट दिया हुआ है, वर्कपीस मेरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मेरा टूल जो कटिंग करेगा तो ये मेरा इस पार्ट में कटिंग करेगा, इतना मटेरियल मेरा स्क्रैप में निकल जाएगा। तो ये वाला जो है मेरा उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। फिर ये मेरा मशीन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके लिए ये वाला मेरा ऑप्शन दिया मशीन ट्रांसपेरेंट। फिर यहाँ पे टूल के लिए दिया हुआ है टूल टरेट, यहाँ पे टरेट आप देखना चाहते हैं यानी उसके लिए ये शॉर्टकट की दिया हुआ है। शो टूल पोजीशन नंबर उसके लिए ये मेरा शॉर्टकट की दिया हुआ है। यहाँ पे ये मेरा टूल के लिए मैं शॉर्टकट की दिया हुआ है। ये मेरा ड्रेसेस के लिए मेरा शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पर बस। और फिर इधर देख लीजिए यहाँ पे आपको फाइल सेव करने के, आपने कुछ भी फाइल यदि पहले से अपने मशीन में यानी कि हमारा जो फोल्डर है किसी फोल्डर में आपने सेव करके रखा हुआ है आपने, तो उसे आप इसमें ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें चला सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फाइल सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ये सिमुलेटर में काम किया, आप उसे सेव करना चाहते हैं तो फाइल सेव का ऑप्शन है यहाँ पर। फिर उसका सेव एज का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आपको पैरामीटर सेटअप करने का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसका टूल मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे ये सब जो है शॉर्टकट की है मेरा यहाँ पे, आप यहाँ पे टूल मैनेजमेंट में से जाके आप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मशीन ऑपरेशन में भी आप जाके यहाँ पे टूल मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी आपका सब ऑप्शन सब दिया हुआ है, यहाँ पर आपका शॉर्टकट की सब दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये वाला स्टॉक साइज है, टर्न वर्कपीस अराउंड एडजस्ट टूल एंड रैपिड पोजीशन उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रैपिड सिमुलेशन है, ये इससे क्या होता है आपने आपका जो वर्कपीस है वो आपका रैपिड में आपका बन जाएगा, यानी कि आपको रैपिड में बन के आपको दिख जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो जब इसमें रन करेंगे तो आपका वर्कपीस कैसा बनेगा। एक्चुअली यहाँ पे डोर क्लोज करने का और डोर ओपन करने का ये वाला मेरा शॉर्टकट की दिया हुआ है। फिर यहाँ पे वर्कपीस पोजीशन आउट, वर्कपीस क्लैंप पोजीशन आउट हो जाएगा, मतलब क्या होगा जो यहाँ पे जो वर्कपीस है वो मेरा बाहर की ओर आ जाएगा। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसे करूँगा क्लैंप पोजीशन इन तो मेरा ये चेक के और अंदर मेरा वो ये वर्कपीस और मेरा क्लैंप हो जाएगा, उसके लिए ये वाला मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मिनिमाइज कर, फिर यहाँ से मिनिमाइज करने का ऑप्शन दिया हुआ है।
फिर यहाँ पे मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन दिया, इसे आप क्लोज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मशीन को व्यूज को हटा सकते हैं और इसे आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, फिर ये वाला मेरा यहाँ पे सॉफ्ट की दिया हुआ है। सॉफ्ट की आप भी कहीं पे भी इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट की में ये मेरा अलार्म की दिया हुआ है, और फिर ये मेरा की का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसे क्लिक करिएगा तो 0 पे हो जाएगा, फिर से क्लिक करिएगा तो ये मेरा 1 पे हो जाएगा। फिर ये मेरा यहाँ पे फीड कंट्रोलर दिया हुआ है, इन परसेंटेज आपने जो भी फीड लिखा है उसका कितना परसेंट आप यहाँ पे रखना चाहते हो उसके लिए दिया हुआ है। फिर यहाँ ये आपका स्पिंडल के लिए दिया हुआ है, आपका स्पिंडल का जो आपने स्पीड सेट करके रखा है मशीन में तो उसका कितना परसेंट ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 600 रखा है स्पीड स्पिंडल का, तो आप 100 पे रखिएगा तो मानी 600 पूरा पे चलेगा। यदि आप उसके 50 पे कर दीजिएगा तो 600 का 50% यानी कि 300 के स्पीड पे आपका वो रोटेट करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसका ये परसेंटेज वाइज है, यहाँ पर ये आपका फीड के लिए, ये आपका स्पिंडल के लिए है। फिर यहाँ पर आपका आता है ऊपर वाले में आपका पोजिशन का सॉफ्ट की है। यहाँ पर पोजिशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोजिशन में चले जाइएगा, फिर ऑब्सोल्यूट पोजिशन भी देख सकते हैं, रिलेटिव पोजिशन भी देख सकते हैं, या आप ऑल भी देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम का की है, यहाँ पर आप प्रोग्राम आपको दिखेगा। फिर यहाँ ऑफसेट का सॉफ्ट की है, फिर यहाँ पे शिफ्ट के लिए सॉफ्ट की है, यहाँ पे कैंसिल के लिए सॉफ्ट की है, फिर यहाँ पे इनपुट के लिए सॉफ्ट की है, फिर सिस्टम का सॉफ्ट की है, मैसेज का सॉफ्ट किया है। मैसेज में क्लिक करिएगा, जो भी आपका अलार्म का मैसेज आता है वो आपको इसमें दिख जाएगा। फिर ये आपका ग्राफ के लिए है, ग्राफिक पैरामीटर्स आप इसमें देख सकते हैं, उसके लिए ये सॉफ्ट की है। फिर ऑल्टर के लिए सॉफ्ट की है, ये इंसर्ट के लिए सॉफ्ट की है, ये डिलीट के लिए सॉफ्ट की है, फिर यहाँ हेल्प के लिए सॉफ्ट की है, फिर यहाँ रीसेट के लिए ये आपका सॉफ्ट की है, पेज अप करने का ये सॉफ्ट की है, पेज डाउन करने का ये वाला सॉफ्ट की है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूमरिक और अल्फाबेटिकल जो की होता है वो सब यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक के लिए ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आपके EOB जो लिखा हुआ ये आपका एंड ऑफ ब्लॉक के लिए है। फिर उसके बाद मैं आपको सारे मोड्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो है हमारा, ये मेरा MEM मोड है, मशीन मोड जिसे बोला जाता है, या ऑटो मोड भी इसे कहा जाता है। फिर ये वाला आता है मेरा एडिट मोड है, एडिट मोड में जाके आप प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं या न्यू प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है MDI मोड, आपको सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखना तो आप MDI में भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद RMT मोड आता है। फिर इसके बाद ये अगला आता है, ये मेरा रेफरेंस की दिया हुआ है। फिर अगला हमारा ये है हमारा जॉक की दिया हुआ है। फिर ये हमारा INC की दिया हुआ है, INC मोड। फिर ये हमारा दिया हुआ हैंडल मोड, यहाँ पे हैंडल मोड तो आ गया है पर हैंडल आया नहीं है, है नहीं पर हैंडल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन करके जो यहाँ पे जो है इसे आप क्लिक करिएगा तो आपका हैंडल मोड हैंडल आपका आ जाएगा। तो आप हैंडल को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो आप इसी ये काम करने लगेगा। यहाँ पे XYZ तीनों एक्सिस दिया हुआ है, पर बेसिकली यहाँ पे लेथ में X और Z एक्सिस यहाँ पे काम करता है और आप Y एक्सिस में इसमें काम नहीं करेगा। और फिर यहाँ पे 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन और 100 माइक्रोन और 10 माइक्रोन का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि एक ग्रेजुएशन के बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और आपका जो टरेट है उतना ही आपका मूव करेगा, ये आपका माइक्रोन में लिखा हो 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या और यहाँ पे 100 माइक्रोन। फिर आपको यदि फिर यहाँ पर आप जॉग मोड में भी आप चेंज कर सकते हैं 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन को आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स के लिए और यहाँ पे जेड का ऑप्शन दिया हुआ है। एक्स में आप टूल टरेट को आप मूव करना चाहते हैं या जेड में, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस में जाना चाहते हैं या माइनस में आप जाना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे स्पिंडल ऑफ ऑप्शन है ये वाला, फिर ये स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज, ये स्पिंडल क्लॉकवाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये मैं 0 और 1 मेरा दिया हुआ है। 0 का मतलब होता है आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो मेरा स्टार्ट होने हो जाएगा 1 से, और मेरा 0 से जो भी आपका मशीन में जो प्रोग्राम जो स्टार्ट हो जाएगा आप उसे बंद कर सकते हैं 0 के मदद से।